हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं बात कर रही हूँ लौकी के जूस की, जिसे हम घिया, वोटल गॉड या दूधी के नाम से भी जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें लौकी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, लेकिन आज का ये वीडियो एंड तक देखने के बाद जब आपको इसके फायदों के बारे में पता चलेगा तो आप खुद को इसे खाने से या इसका जूस पीने से नहीं रोक पाएंगे। लौकी के अनगिनत औषधीय फायदों की वजह से आयुर्वेद में इसे उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले लौकी को काट कर उसका एक हिस्सा ले लेंगे। मैं दो लोगों के लिए जूस बना रही हूँ जिसके लिए ये सफिशियंट है। लौकी को छील कर उसका एक टुकड़ा लेंगे और उसे टेस्ट करेंगे। अगर वो टेस्ट में कड़वा लगे तो हमें उसे यूज नहीं करना है। ये स्टेप हमें कभी भी मिस नहीं करना है, वरना लौकी का जूस आपके लिए बहुत नुकसान कर सकता है। अब हम लौकी के टुकड़े करके उसे मिक्सी जार में डालेंगे। अगर आपके पास जूसर है तो आप जूसर में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो प्लेन लौकी का जूस भी बना सकते हैं, या फिर आप इसमें दूसरी कुछ चीज़ें ऐड करके बना सकते हैं, जिससे इसका स्वाद भी अच्छा होगा और इसके फायदे भी बढ़ेंगे। आप लौकी में तुलसी की पत्तियों को मिलाकर जूस बना सकते हैं। तुलसी को जीवन के लिए अमृत कहा जाता है। आयुर्वेद में तुलसी को स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए जाना जाता है। धनिया में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और मिनरल्स होते हैं। मैंने यहाँ पर इसका डंठल भी यूज किया है क्योंकि ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले के कई सारे आयुर्वेदिक लाभ हैं, न सिर्फ त्वचा और बालों के लिए बल्कि कई तरह के रोगों के लिए औषधि के रूप में काम करता है। नींबू विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। इसका सेवन करने से कई तरह की बीमारियां ठीक की जा सकती है। अदरक का सेवन करने से पाचन शक्ति सही रहती है और ये माइग्रेन के दर्द को भी कम करता है। आप पुदीना मिलाकर भी इसका जूस बना सकते हैं। इन सभी में से कोई भी दो इंग्रेडिएंट मिलाकर आप लौकी का जूस बना सकते हैं। अब जानते हैं कि लौकी से किस तरह हम हमारी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जब किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें लौकी का जूस पीने की सलाह दी जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लौकी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में और ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत फायदेमंद है। लौकी के जूस से एसिडिटी में राहत मिलती है, जिससे पेट में जलन और दर्द कम होता है। खाली पेट एक गिलास लौकी का रस पीने से ताजगी और एनर्जी मिलती है। लौकी के रस में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं। इसे पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और अंदरूनी गंदगी भी साफ होती है। लौकी का जूस निकालकर उसमें नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएंगे तो पिंपल्स भी कम होंगे। अगर आप सुबह उठकर वर्कआउट करते हैं तो लौकी का जूस पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लौकी के जूस में मौजूद नेचुरल शुगर न सिर्फ ग्लाइकोजन लेवल को बनाए रखने में मददगार है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट की कमी को भी पूरा करते हैं। अगर आपको यूरिन डिस्चार्ज करने के दौरान जलन या दर्द महसूस होता है तो लौकी का रस पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यूरिन में एसिड की मात्रा बढ़ जाने पर जलन और दर्द की प्रॉब्लम होने लगती है। लौकी का रस इस अम्लीयता को कम करता है। इसमें मौजूद हाई फाइबर डाइजेशन सही रखते हैं, इसलिए अगर आपको कब्ज रहता है तो वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। लौकी के जूस में कैलोरी और फैट न के बराबर होता है। ऐसे में अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए लौकी का रस पीना बहुत फायदेमंद रहेगा। इसमें मौजूद फाइबर भूख को भी कंट्रोल करते हैं। वजन कम करने के लिए आप इसे उबालकर नमक के साथ भी खा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि लौकी का सेवन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि इससे हमें कोई नुकसान ना हो। अच्छी सेहत के लिए लौकी के जूस के कई सारे फायदे हैं, लेकिन किसी भी चीज को अगर हद से ज्यादा किया जाए तो वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लौकी का जूस जब ज्यादा दिनों तक कच्चा पिया जाए तो ये पेट के लिए हानिकारक हो जाता है, जो शरीर में गंभीर बीमारी का कारण भी बन जाता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और आपने निर्धारित मात्रा से ज्यादा लौकी का जूस पी लिया
तो ये आपके शुगर के लेवल को अचानक से बहुत कम करता है। इससे आपको बेहोशी तक आ सकती है। ये कंडीशन खतरनाक हो सकती है। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लौकी का जूस बनाने के पहले आप उसका एक टुकड़ा चखें। अगर आप पूरी लौकी यूज़ करें तो दोनों साइड से इसे चखें। अगर आपको कड़वा लगे तो इसे यूज़ ना करें, क्योंकि कड़वी लौकी आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमेशा इसे चख कर ही यूज़ करें। इसमें टेट्रासाइक्लिक होता है जो आपको डिहाइड्रेशन, जी मचलाना, गैस की समस्या या इससे भी बड़ी समस्याएं दे सकता है। जूस को डॉक्टर की सलाह के बिना एक गिलास से ज़्यादा ना पिए। कहा जाता है कि जूस को हमेशा फ्रेश बनाकर पीना चाहिए, क्योंकि बचा हुआ जूस बाद में पीने से हमें नुकसान करता है। तो अभी हमने जाना कि लौकी हमारी सेहत के लिए कितनी लाभदायक है, लेकिन याद रखिए, इसके फायदे तभी मिलेंगे जब इसका सेवन करते समय आप सावधानी रखेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।